हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गैराज इक्विपमेंट्स का पहला टॉपिक एयर कंप्रेसर। द एयर कंप्रेसर आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर बाय कंप्रेसिंग इट। आपने एयर कंप्रेसर अक्सर जहाँ पे टायर में हवा भरी जाती है पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पे देखा होगा। द कंप्रेस्ड एयर इज़ स्टोर्ड फॉर फर्दर यूजेस। एक हवा जो नेचुरली अवेलेबल है उसको पिस्टन के अंदर कंप्रेस करके वन स्टेज और टू स्टेज उसको फिर एक बड़े से टैंक में स्टोर कर लेते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो आउटलेट पाइप के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। द ऑटोमोटिव पर्पस कंप्रेसर्स आर जनरली एयर कूल्ड कंप्रेसर्स। आइए पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर फॉलोइंग मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एयर स्टोरेज टैंक, जिसके अंदर हवा को रखा जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर या फिर कभी कभी इंजन भी होता है। इसका काम होता है कंप्रेसर को चलाना, उसके सिलेंडर जिसमें पिस्टन में हवा को कंप्रेस किया जाएगा उसको चलाना। टू स्टेज कंप्रेसर के लिए टू सिलेंडर्स, वन स्टेज सिलेंडर के लिए एक सिलेंडर, एक प्रेशर गॉज जिससे हम प्रेशर चेक कर सकते हैं, सेफ्टी वॉल्व। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हमारे को सेफ्टी वॉल्व चाहिए जो कि एक्सेस प्रेशर में ओपन आउट हो जाएगा और ओपन होने से जो है वो सारी एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। एक हमें इंटर एयर कूलर चाहिए, जब हवा को कंप्रेस करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, तो उसके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बीच में एक इंटर एयर कूलर लगाना पड़ेगा। एक वी बेल्ट ड्राइव चाहिए जो कि प्राइम मूवर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और कंप्रेसर को पुल्ली की मदद से वी बेल्ट ड्राइव की तरह से इस तरह से चलाएगी। अगर ये मोटर है और ये कंप्रेसर है तो ये इसको ऐसे इलेक्ट्रिकली मोटर को चलाएंगे और कंप्रेसर जो है हमारा उस पर वर्क करेगा। और हमारे को इसमें लगेगा फोर्स क्रैंकशाफ्ट। एक हमारे को इसके अंदर साथ में और चाहिए एयर क्लीनर। एयर क्लीनर बेसिकली होता है हमारा जो एयर इनलेट लेनी है सिलेंडर के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल से अलग होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो जैसे गाड़ी में एयर फिल्टर लगाया जाता है तो इसमें भी स्टार्टिंग में एक एयर क्लीनर होगा और आउटलेट के लिए आउटलेट पाइप चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर एक डायग्राम है। ये एक डायग्राम है, डायग्राम में आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि बिजली की मदद से चलेगी। एक प्रेशर गॉज है जो कि प्रेशर रेगुलेट करेगा। ये हमारी बेल्ट है जो हमारी बेल्ट इस तरह से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में, इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करेगी गोल, जिससे जो है हमारा ये वाला पोर्शन यानी कि कंप्रेसर चलेगा। कंप्रेसर इसके दो हिस्सों में है। सबसे पहले एक पार्ट ये है जो कि हमारा फर्स्ट सिलेंडर है, ये बीच में इंटर एयर कूलर है और ये बीच में लास्ट में दिया हुआ है जो एक हाई प्रेशर सिलेंडर है। सबसे पहले यहाँ पे एयर क्लीनर लगा हुआ है, यहाँ से सक्शन होगी, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा और एयर को सक करेगा। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा और एयर कुछ प्रेशर में कंप्रेस होएगी। कंप्रेस होके ये इंटरनली इसमें मूव कर जाएगी। यहाँ पे एक चैम्बर में वो इस तरह के पाइप से गुजरेगी जिससे उसका प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने के बाद हम उसका प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए उसको यहाँ से वापस इस सिलेंडर में यहाँ पर इधर भेजेंगे। यहाँ पर फिर से इसी तरह से सक्शन होगी और उसके बाद कंप्रेशन करके हाई प्रेशराइज्ड गैस इस एरिया में, इस जगह से बाहर आ जाएगी और यहाँ पे पूरे इलाके में ये गैस भर जाएगी, जो कि इस प्रेशर गॉज की मदद से हम देख सकते हैं। इस प्रेशर गॉज की मदद से हम देख सकते हैं कि वो कैसे चलेगी। और जब हमें इस्तेमाल करना है तो ये आउटलेट के पाइप की मदद से हम इसके वेरियस एप्लीकेशंस गैराज में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जो है मेन चीज़ करनी है वो है इसके कंस्ट्रक्शन और फिर उसका एक डायग्राम।
और साथ ही में इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वो हमने देखनी है कि क्या होती है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ये है कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक स्पेशली फोर्ज्ड मटेरियल से बनी होगी ताकि वो हार्ड हो और हाई प्रेशर की वजह से उसका कोई साइज़ में किसी तरीके का कोई फ़र्क ना आए। और सिलेंडर जो हैं वो भी कास्टिंग से बने होंगे, अक्सर एलुमिनियम कास्टिंग, एलुमिनियम अलॉयज़, एलुमिनियम पिस्टन इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, जिससे कि वो जल्दी ठंडा भी हो जाए। जैसे बाइक्स में इंजन होता है फिन वाला इंजन, अगर ये यहाँ पे इस तरह का इंजन है तो उसके ऊपर ऐसे फिन्स लगे होंगे जिससे कि एयर इस पे लगे और इसके अंदर जो भी कंप्रेशन हो रही है वो कूल रहे, वो सिलेंडर जो है ओवरहीट ना हो। तो इसके अंदर हमारे पास टू स्टेज और वन स्टेज कंप्रेसर होते हैं। वन स्टेज कंप्रेसर हमारा इस्तेमाल होता है जब हमें लो प्रेशर चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, और टू स्टेज प्रेशर हमारा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, टू स्टेज सिलेंडर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमारे को जो है हाई प्रेशर राइज्ड गैस चाहिए। तो अक्सर जो है गैराज के अंदर इक्विपमेंट्स में जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो टू सिलेंडर या टू स्टेज कंप्रेसर को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सेफ्टी वॉल जो होता है और इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो सब प्रोवाइड की गई है। ये सारी वही जी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये यहीं पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसकी देख लेते हैं कि वर्किंग में क्या है। वर्किंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है कि स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर, पहले इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन कर लेंगे, विच ड्राइव्स द क्रैंकशाफ्ट ऑफ सिलेंडर थ्रू वी बेल्ट पुली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वी बेल्ट की पुली की मदद से इस तरह से वो जो है ये मोटर और ये कंप्रेसर ये यहाँ पे वर्क करेंगे। द पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इन द सिलेंडर एज द क्रैंक रोटेट्स। जैसे नॉर्मल हमारे इंजन के अंदर पिस्टन होता है और नीचे इधर क्रैंक होती है तो ये क्रैंक रोटेट करेगी और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, यहाँ पे इनलेट और एक आउटलेट, वही सेम सिस्टम और ये गैस एयर को कंप्रेस करेगा। द कंप्रेस एयर इज़ पास थ्रू द इंटरकूलर टू कूल। इंटरकूलर से फिर उसको पास करा जाता है, इस तरह का कुछ जैसे एयर कंडीशनर्स में होती है उस तरह से इसमें पाइप जाएंगे, उस पर फिन्स लगे होंगे बहुत सारे जिससे कि वो गैस थोड़ी सी जो कंप्रेस्ड एयर है वो कूल की जा सके। द कूल्ड एयर इज़ अगेन कंप्रेस्ड बाय टू स्टेज कंप्रेसर ताकि उसका प्रेशर इंक्रीज़ किया जा सके। और इसी के साथ साथ इसमें प्रेशर गॉज भी लगा दिया जाता है ताकि हमारे को स्टोर्ड एयर का प्रेशर पता लग जाए, अगर बियॉन्ड सेफ वैल्यू जाएगा तो सेफ्टी वॉल्व जो है अपने आप ओपन हो जाएगा उसके अंदर। तो ये इंडिकेशन होता है फुल वॉल्यूम का कि अगर दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर द फुल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टैंक एंड फर्दर नो एयर इज़ डिलीवर्ड, अगर सेफ्टी वॉल्व खुल जाए तो वो एक विसल जैसी नॉइज़ सीटी जैसे प्रेशर कुकर में लगती है वैसे इस्तेमाल होगा। तो ये एयर कंप्रेसर का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत वाइडली इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इसके जो यूजेस हैं, एयर कंप्रेसर इज़ यूज्ड एज फॉलोइंग ऑटोमोटिव पर्पसेस, बहुत से पर्पस हैं जैसे कि बताया, सबसे कॉमन टायरों में हवा भरना, इन्फ्लेटिंग द टायर, हाइड्रोलिक होइस्ट, गाड़ी को हाइड्रोलिक होइस्ट की मदद से गैराज में उठाया जाता है तो उसके लिए भी जो है एयर कंप्रेसर चाहिए। स्पार्क प्लग क्लीन करने के लिए हमें हाई प्रेशराइज नोजल से गैस चाहिए, एयर चाहिए होती है उसके लिए। इंजन पार्ट्स को ड्राई करने के लिए आफ्टर वॉशिंग, न्यूमेटिक रेंच एक नॉर्मल मैकेनिकल रेंच होता है बट उसका ऑपरेशन हवा से न्यूमेटिकली एयर से होता है, तो वो जो न्यूमेटिक गन होती है उसके पीछे कंप्रेसर अटैच रहता है और वो न्यूमेटिक रेंच काम करती है। इसी तरह से न्यूमेटिक ड्रिल होती है। और पेंटिंग सेक्शन में जब हमें पेंट करना होता है किसी चीज़ को तो हमारे पास एक इस तरह का चैम्बर होता है जिसके अंदर पेंट होता है, यहाँ पे इसका नोज़ल होता है और नोज़ल के साथ एक पाइप और लगा होता है जहाँ से कंप्रेस्ड एयर जाती है। जब हम इस नोज़ल को खोलेंगे तो यहाँ पे गैस, यहाँ से एयर बहुत प्रेशराइज से निकलेगी और प्रेशर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो पेंट यहाँ से साथ में ड्रॉपलेट्स फॉर्म में निकल के और हमारे को ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म में पेंटिंग सेक्शन में पेंट गाड़ी को करने के लिए
मदद करेगा। अब हमें ये देखना है कि जब हमने एक एयर कंप्रेसर को समझना है, ख़रीदना है, बनाना है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको किस हिसाब से हम कॉल करते हैं कि ये क्या है एयर कंप्रेसर, तो उसको अलग अलग तरीके से हम जो है कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो हम उसमें देखते हैं वो होता है द एयर कंप्रेसर आर स्पेसिफाइड एज फॉलोइंग टर्म्स। एक तो उसको पहचान होती है नंबर ऑफ सिलेंडर्स, यानी कि वन सिलेंडर है या टू सिलेंडर, एक पहचान तो उसकी इस तरह से होती है। दूसरी पहचान उसकी है डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पर मिनट इन लीटर, कितने लीटर एक मिनट के अंदर एयर जो है उसके अंदर कंप्रेस करके भेजी जा रही है। तीसरा मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर, कितना वो सिलेंडर जो सबसे बड़ा वाला सिलेंडर था नीचे, वो कितनी मैक्सिमम यहाँ पे एयर होल्ड कर सकता है, इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इससे भी एयर कंप्रेसर का स्पेसिफिकेशन तय किया जा सकता है। उसके ऊपर लगी हुई मोटर कितनी पावर की है, कितने हॉर्स पावर की, कितने एचपी की है, उससे भी पता लग सकता है। या फिर आरपीएम ऑफ क्रैंकशाफ्ट ऑफ कंप्रेसर, यानी कि कितनी तेज़ स्लो रोटेशंस पर मिनट ऑफ क्रैंकशाफ्ट ऑफ कंप्रेसर है, उससे भी हमें जो है ये चीज़ पता लग सकती है। तो ये हमारा जो था एयर कंप्रेसर का टॉपिक है, सिंप्लीफाइड एयर कंप्रेसर, जिसमें जो है हमने पेपर में डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, वर्किंग लिखनी है, स्पेसिफिकेशन है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, इवन छोटा क्वेश्चन जो होता है इसमें से वो भी बन सकता है। तो ये बहुत एक सिंपल बट बहुत वाइड एप्लीकेशन वाला, और आगे आने वाले टॉपिक्स में जो है हमें इसकी ही एप्लीकेशन पता लगेगी। तो आप जो इसको समझिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, और आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर करे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।